हेलो। तो अब तक हम जयपुर के अप्रोक्स 11 प्लेसेस एक्सप्लोर कर चुके थे और मीनवाइल हमें पता चला था कि जो डोगमा सफारी है वो हमें आमेर फोर्ट नहीं लेके जाएगी। जाना तो था पर कैसे जाना था ये क्वेश्चन था। सो हाय, आई एम नम्रता और मैं पिछले कुछ दिनों से आपको जयपुर के कुछ चुनिंदा जगह बजट फ्रेंडली वे में विजिट करवा रही हूँ। तो डोगमा सफारी के मना करने के बाद क्विक डिसीज़न लिया हमने कि यहाँ पे ई रिक्शा चल रहे हैं, तो ई रिक्शा से हम आमेर फोर्ट जाते हैं और हम आमेर फोर्ट विजिट करते हैं। ई रिक्शा ने लगभग हमसे 250 रुपये चार्ज करे और हाफ एन आवर में हमें आमेर फोर्ट पहुँचा दिया। आमेर फोर्ट पहुँच करके एक्चुअली आमेर फोर्ट जाने के लिए ना आप ऊपर तक जीप से भी जा सकते हो और वहाँ पे हाथी की सवारी भी होती है, तो आप हाथी वगैरह भी वहाँ पे ले सकते हो। उसके चार्जेस मुझे नहीं पता, सॉरी, बट रीज़नेबल प्राइस होते हैं उसके। अंदर जाके हमने एंट्री टिकट ली जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन था और फिर यहाँ से हमने अपनी आमेर की यात्रा शुरू करी। जब आप एंटर करोगे ना इसमें, बाय गॉड, ये इतना 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 दूर तक फैला हुआ है ना और इतना सुंदर है ना, मीन्स अनबिलीवेबल। और मैं तो वहाँ जा कर के बस इस शौक में थी, यार यहाँ कभी किंग क्वीन या मतलब पूरा ही राजघराना रहता था, लाइक अपने सेनापति सैनिक प्रजा, मतलब नहीं प्रजा तो नहीं थी यहाँ पे सिर्फ राजा वगैरह रहते थे। तो इस किले की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। ब्रीफ में यही है कि ये किला राजा मानसिंह ने बनाया था जो आगे राजा जयसिंह को ट्रांसफ़र हुआ और फर्दर इसको सक्सीड करा है राजा सवाई मानसिंह ने, सॉरी अगर मैं कहीं गलत हूँ। तो ये 4 लेवल में बना हुआ है। जो मेन इनका एंट्री गेट है उसे सन पोल कहते हैं क्योंकि ये ईस्ट फेस्ड है और सन की डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे आती है। एंट्री करते ही अंदर जलेबी चौक है जहाँ पे सैनिक अपनी प्रैक्टिस करा करते हैं और वहीं पे जो छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए हैं वहाँ पे इनके अस्तबल है जहाँ पे सैनिक और राजा महाराजा के घोड़े रहा करते थे। नेक्स्ट स्टेप आप प्रोसीड करोगे सेकेंड लेवल, वहाँ पे फिर है दीवाने आम जहाँ पे राजा आम लोगों की परेशानियाँ सुना करते थे। फिर नेक्स्ट लेवल है दीवाने खास जहाँ पे खास लोगों की बातचीत हुआ करती थी, मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे है शीश महल, जनाना महल, गार्डन एट्सेट्रा, जहाँ पे बेसिकली राजा की फैमिली रहा करती थी। और ये इतना सुंदर बना हुआ है ना, इनकी जो कारीगरी है, जो लिटरली आप मोन्यूमेंट्स वगैरह देखोगे ना वहाँ पे कुछ तो बात है। सारा रॉ आइटम से ये पूरा महल बनाया गया है, लाइक लाल पत्थर, संगमरमर, फूल, सब्जियाँ, फल, पेंटिंग वगैरह इससे हुई है कारीगरी। और बेसिक एक्चुअली एक फ्री का ज्ञान है, जब भी आप यहाँ कहीं जाओ तो प्लीज़ या तो आप यूट्यूब या विकिपीडिया या जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाना, अदरवाइज़ वहाँ जाके गाइड लेना। क्योंकि ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है, इसका असली मज़ा तभी है जब आप डिटेल्ड इन्फो लो इसके बारे में। तो इसी के साथ लगभग यहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद हम फिर निकल गए एंड ट्रस्ट मी, रात को ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लाइट्स जल जाती है चारों तरफ, बट ये कि रात को यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। आई थिंक 7 बजे तक ही है यहाँ पे, फिर उसके बाद वो बाहर निकलने के लिए बोल देते हैं। तो इसके बाद फिर हमने अपनी बैटरी रिक्शा ली और सफ़र करते हुए हम पहुँचे राज मंदिर और उसके बाद हम घर जा कर के डिनर करके सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें नाहरगढ़ जाना था। तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए थी क्योंकि आज हम वाकई बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम नहा धो के निकले अराउंड 12 बजे और जयपुर की ट्रैफिक पार करते 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 लगभग 3.5 घंटे रोड पे बिताने के बाद हम पहुँचे नाहरगढ़। नाहरगढ़ पहुँचने के बाद भी हमें वहाँ क्या मिलती है, खूब सारी भीड़। बट नाहरगढ़ में एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है ना तो आप अपनी गाड़ी एंट्री कर सकते हो, अंदर ले जा सकते हो, आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो, आपको पैदल चलने की नीड नहीं है। फिर यहाँ जाकर के हमने टिकट ली जो
पर पर्सन था एंट्री के लिए। आगे चल के यहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है। उसके चार्जेस 100 रुपीज़ थे, जिसमें कि एक बेवरेज इंक्लूडेड था। फूड तो वहाँ का ज़्यादा टेस्टी लगा नहीं, बट हाँ ये है कि वहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और वाकई पूरा जयपुर दिखाई दे रहा था वहाँ से। ये प्लेस एक्चुअली बहुत अच्छा है, आप फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यहाँ ऊपर ऊंचाई पे बैठ करके सनराइज़ देखने का ना मज़ा ही अलग है, और साथ में अगर आपके दोस्त और फैमिली हो तो क्या ही बात है। कहा जाता है यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है, पूरा जयपुर। और ये बहुत सुंदर था, मतलब इतनी ऊंचाई पे पहुँच करके जब मैं नीचे शहर देख रही थी ना, तो बस वही फीलिंग आ रही थी कि यू आर जस्ट अ टाइनी पार्टिकल इन द होल यूनिवर्स, सो डोंट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इसके बाद हमने सोचा था हम चौकीधानी जाएंगे, बट ड्यू टू ट्रैफिक बहुत लेट हो गया था तो हम नहीं जा पाए थे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करो तो बस इस बात का ध्यान रखना, वीकेंड या फिर कोई हॉलीडे सेशन ना चल रहा हो, थोड़ा सा रश होता है वहाँ पे, अदरवाइज इट इज़ नाइस, स्मॉल ट्रिप और बजट में हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने दिल्ली की बस पकड़ी रात के 11-12 बजे की, और सुबह तक मैं दिल्ली आ गई। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ट्रिप में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।